अच्छा शेख साहब, 90s में एक ज़माना शुरू हुआ था मूवीज़ का ना, चीफ साहब और ये रीमा, रेशम, मीरा, साहिबा, मीरा, बड़ी ग्रुपिंग, बाबर अली, शान, साउद वो एक ज़माना बड़ा अच्छा था और वो लोगों का एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ था ना पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में. एक पंजाबी दौर से निकल के हम आए थे और बड़ा ज़बरदस्त एक जीवा के ज़माने से वो सब कुछ शुरू हुआ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, उस लेवल की मूवीज़ दोबारा नहीं बन रही. देखिए वो जो एक लाहौर में जो इंडस्ट्री थी उसका एक अपना मज़ा और नशा था. हाँ, वो जो मेकर है आजकल बहुत अच्छी फिल्में बन रही है. हाँ, और ये सारी इंडस्ट्री इस वक्त कराची शिफ्ट हो गई है. हाँ, बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़ा अच्छा इक्विपमेंट है हमारे पास, बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल की फिल्में बन, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब बहुत अच्छी हिट फिल्में भी हमने की हैं, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी, नामालूम अफराद, दीफा इन ट्रबल, जवानी फिर नहीं आनी, बहुत फिल्में बहुत फिल्में. तो मेरा कहने का मतलब है कि उसमें जो ये जो फिल्मी 90s और 80s और उसके बाद का जो एसेंस है ना वो उसमें नजर नहीं आता. हाँ, वो कलर नजर नहीं आता. हाँ यस, वो मेरा ख्याल है कि रेशम और मीरा भी यही कहेंगे, ऑफ कोर्स मिस करते हैं. नहीं, किसी में और एक्टर्स में भी वो बात नहीं है, हीरोइंस में भी वो मसाला और वो बात नहीं है. सब बहुत अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही. हाँ, मेकिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमी है ना, कमी है, कुछ कमी है. प्रॉब्लम ये फिल्म स्टार्स हैज टू बी फिल्म स्टार्स, इसके लिए पैसा खर्चने लोग जाएं सिनेमा में देखने के लिए. आप टेलीविजन से उठा के शाहरुख खान ही एक ड्रामे के बाद बन गया था, वरना ऐसी एग्जांपल बहुत कम मिलती हैं. आप बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ना वो बॉडी लैंग्वेज है, ना वो पहनावा है, और वो समझ ही नहीं आता. लेकिन शेख साहब आप ऐसा, लेकिन ये बात नहीं है कि फिल्में अच्छी नहीं है. स्क्रीन का स्क्रीन का भी तो फर्क है ना. हाँ, बड़ी स्क्रीन का स्टार, बड़ी स्क्रीन का स्टार, बड़ी स्क्रीन का स्टार, एक एक्टर की जो मैं कहती हूं एक एक्सक्लूसिविटी से मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है. आपकी डिलीवरी में इतना फर्क पड़ता है. कई स्टार्स जो हैं इस वक्त उनके ड्रामास भी आ रहे हैं, ईद से पहले भी आ रहे हैं, ईद के बाद भी ड्रामास आ रहे हैं, और ईद पे उनकी मूवीज भी आ रही हैं. फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप के हमारी फिल्म सुपरहिट हो, लोगों से देखने आए, जब घरों में आप एक चैनल को स्विच कर रहे हैं, आप ड्राइंग रूम में जब बैठे हुए हैं, तो आप पे पैसा खर्चने कौन सिनेमा जाएगा. और आप देखिए एक और बात है, एक और बात है, देख रहे हैं और बड़े बड़े पर्दे के एक्टर्स को आप घर में और मुफ्त में देख रहे हैं, पैसे भी नहीं खर्च हो रहे. टेलीविजन का जो बड़े से बड़ा स्टार अपने दौर का गुजरा है, ठीक है, ए क्लास आप ले ले, वो जब फिल्म में आते हैं तो वो सेकेंडरी रोल करते हैं. कई लोगों ने छोटी स्क्रीन पे ऐसा काम भी किया जो लोग बड़ी स्क्रीन पे भी नहीं कर सके, कई एक्टर्स ने किया. लेकिन क्योंकि हम फिल्म की बात कर रहे हैं तो वो फिल्म के हवाले से वो बात को लिया जाए. लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि एक मैदान है जिसमें चंद घोड़े घोड़े जो है वो दौड़ते हैं, एक रेस जीत जाता है, फिर मैदान खाली हो जाता है. इक्का दुक्का फिल्में आती हैं, तीफा एंड ट्रबल आ गई, कोई और आ गई, सुपरहिट हो गई, फिर साल हाँ, लेकिन फिल्म जो है ना एक आध आती है, सुपरहिट होती है, फिर साल गुजर जाता है, दो साल गुजर जाते हैं, फिल्में मैदान खाली है. तो अभी इसीलिए आपका नज़र नहीं आ रही है. नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं एक फिल्म मैंने की अभी फेस्टिवल की है बाहर की, और वो भी मैं अहमद अली अकबर के साथ कर रही हूँ. मैंने उनका परिजात देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका काम. ग्रेट ग्रेट एक्टर. हमारे यहाँ तो कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस की ये सोच है कि एक दफा हमारे यहाँ हमारे ऊपर बॉलीवुड का एक वो लग जाए ना, एक लेबल लग जाए, पुरानी बात हो गई, बहुत बड़े पुरानी बात है, स्टार्स बन जाएंगे. अभी भी ये सोच है, एग्जिस्ट करती है. इसमें बुराई क्या है? बॉलीवुड इज अ बिग इंडस्ट्री, वहाँ जो किसी को मौका मिलता है इतने कंपटीशन में, उसमें कुछ होता ही होगा तो मिलता होगा. नहीं, मेरी बात सुने ना, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में वैसी मूवीज क्यों नहीं बन सकती? वैसा क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, हम उतना पैसा नहीं लगा सकते जितना पैसा वो लगाते हैं. आपको फैक्ट को समझना चाहिए. लेकिन आप ये भी देखिए ना, बजट के बहुत, वही लोग कहते हैं कि उनको जब वहां जाते हैं उनको सी कैटेगरी में वहां पर ट्रीट किया जाता है. सोचना भी नहीं चाहिए कि एक एक्टर को राइडिंग भी आती है, स्विमिंग भी आती है अपने, वो भी खुद करते हैं, डांसेस वो बेहतरीन होते हैं, वो डायलॉग्स की क्लासेस लेते हैं, वो डिलीवरी की क्लासेस लेते हैं, वो असिस्टेंट बनते हैं पहले, फिर कहीं जाके वो आते हैं, बचपन से लगे होते हैं.
आप हम उठ के उनसे मुकाबला करेंगे? आपको अपनी रियलिटी का समझ के अब फिर बात करनी चाहिए, इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इज्जत कैसे नहीं मिलती है शेख साहब को? कम इज्जत मिली है? जितनी इज्जत इंडिया ने आपको दी है इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ है तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं और आपको काम मिलता है। और मैं तो चाहती हूँ कि इन दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हों और हमारी इंडस्ट्री भी बड़ी हो, हम उनसे फायदा उठा सकें। आर्टिस्ट के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ना उधर से होनी चाहिए ना इधर से होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। आपके पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं, आपके बाकी मामलात कैसे चल रहे हैं, ये जो आर्टिस्ट की एक कैद है ना बॉर्डर्स की, ये नहीं होनी चाहिए। मगर ये कैद उस तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं है। हम तो आज भी कब उन्होंने एक लॉ पास किया है कि पाकिस्तानी लॉ नहीं है। सुनो रेशम, देयर इज नो लॉ। बात यह है, बड़ी अकलमंदी से उन्होंने ये काम किया है। देखिए जी, पाकिस्तानी एक्टर वहाँ पर ऑब्वियसली जाना शुरू हो गए। मैं था, फवाद था, अली जफर था, फिर सबा कमर आ गई, मायरा खान आ गई, फिर सज्जल अली, सज्जल अली भी, ये काफ़ी लोग चले गए। अब वो एक एक हब्बा बन रहा था वहाँ पर कि जी पाकिस्तानी एक्टर बॉलीवुड में छा रहे हैं। और मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हीरोज में फवाद खान वाज देयर देयर, वो अगर ये बंद ना होता तो आज वो तीन जो खान है उनमें से एक खान ये होता। ठीक है, सही। वो लिहाजा वो उनको इनसिक्योरिटी थी। मिसाल के तौर पे मैं तो कैरेक्टर एक्टर करता हूँ, ठीक है, शाहरुख का बाप बन गया, रणबीर का बाप बन गया, शाहिद कपूर का बाप, प्रीति जिंटा का बाप, मगर वहाँ जो कैरेक्टर एक्टर वाले एक्टर्स हैं वो दबे लफ्जों में पूछते थे कि इसमें क्या खास बात है जो हम में नहीं है। ये सी, तो ये सारी चीज़ें चलती चलती जब इनकी हुकूमत आई है तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बजाय लॉ निकालने के, कुछ पास करवाने के, इन्होंने शिवसेना को आगे कर दे। बिल्कुल, शिवसेना को कहा, पाकिस्तानी सिंगल का कॉन्सर्ट भी होता वो भी कैंसिल करवा देते थे। उन्होंने फिर शिवसेना ने क्या किया, उन्होंने आके तोड़फोड़ की, ये किया वो किया, पाकिस्तानी एक्टर की फिल्म नहीं लगेगी, ये किया। लास्ट फिल्म जो थी रईस फिल्म थी शाहरुख की और मायरा खान, तो उन्होंने ये जाकर कहा कि भाई ये फिल्म नहीं लगेगी, सिनेमा जला देंगे, पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। शाहरुख ने कहा यार मैं तो मर जाऊंगा, बर्बाद होऊंगा। शाहरुख उनके घर पे गया, बात हुई, चीत हुई, कुछ पैसे दिए, कुछ ये उन्होंने लिखवाया कि आइंदा मैं अपनी किसी फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर को नहीं लूंगा। अब ये वो खौफ था जिसकी वजह से पाकिस्तानी एक्टरों को कास्ट करना छोड़ दिया। देयर इज नो लॉ। वो बड़े अकलमंद है, लॉ नहीं बनाया। तो अपने अंदर नेपोटिज्म इतना ज्यादा है, वो दो तीन घराने हैं जो अपने अंदर से हिंदू लोगों को नहीं आगे आने देते, तो पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेस को आगे आने बहुत बहुत नेपोटिज्म है। एक्टिंग की बात छोड़ दें, आप क्रिकेट मैचेस देख लेना, वो हमारे साथ नहीं खेलते, देयर इज नो लॉ, बट वो कहते हैं कि जी हमें गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं है। सही, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हम तो खेलना चाह रहे हैं, हम काम भी करना चाह रहे हैं। फिर आप बाबर आजम ने फिर बताया ना उनको, यस यस माशाल्लाह।